हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आप सबका मन में कहीं ना कहीं ये डाउट होता होगा कि हमें अगर मान लीजिए कि टेक्निकल गुरुजी जैसा उतना बड़ा टेक यूट्यूबर बनना है तो हम कैसे बन सकते हैं। उनके जैसा बनने के लिए सबसे पहला तो ये कि आपका जब जीरो सब्सक्राइबर, आपका नया यूट्यूब चैनल है और आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो बनाना है नए नए फोन्स का, तो आपके पास वो फ़ोन आएगा कहाँ से? कंपनी तो आपको फ़ोन देगा नहीं और आपको मिलेगा भी नहीं। तो फिर कैसे आप एक नए चैनल को, उस तरह के चैनल जो अगर आप चाहते हो कि उस तरह का चैनल मुझे बनाना है और बड़ा क्रिएटर बनना है, तो कैसे बन सकते हो? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या जीरो सब्सक्राइबर में पॉसिबल है आपको रिव्यू यूनिट मिलना, फ्री में प्रोडक्ट्स मिलना लाइक टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, क्या आपको फ्री में मिल सकता है जीरो सब्सक्राइबर में? और अगर नहीं मिल सकता तो फिर हम कैसे अपने चैनल को बड़ा कर सकते हैं? तो इसी के बारे में जो है आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताऊंगा और इसका क्या क्या जो है रास्ता है, आप उस उपाय को अपने चैनल पर लगा सकते हो। तो चलिए, आज की ये वीडियो जो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, एंड तक देखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज की दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका जीरो सब्सक्राइबर है, यूट्यूब चैनल आपका बिल्कुल से नया है, तो आपको क्या प्रोडक्ट्स मिल सकता है? तो सबसे पहले इसका आंसर है नहीं। आपको YouTube चैनल जो YouTube पे है काफ़ी सारा वीडियोस मिल जाएगा कि फ्री रिव्यू यूनिट्स, गेट फ्री रिव्यू यूनिट्स फ्रॉम जीरो सब्सक्राइबर, सारा का सारा वीडियो फेक रहता है। जीरो सब्सक्राइबर में कोई भी कंपनी आपको रिव्यू यूनिट देगा ही नहीं। यहाँ से कॉमन सा बात है, मान लीजिए कोई कंपनी मुझे कुछ चीज़ को देगा तो वो क्यों देगा? कि उसका भी एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, उनका भी सेल होना चाहिए आपके थ्रू से। आपके पास ऑडियंस ही नहीं है, आपका व्यूज़ ही नहीं आता है, तो आपको वो क्यों देगा? उनका क्या बेनिफिट है आपको दे करके? तो इसीलिए ये तो माइंडसेट बिल्कुल से हटा देना कि जीरो सब्सक्राइबर में आपको रिव्यू यूनिट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। पहला, अब बात करते हैं कि नहीं मिलेगा तो फिर कैसे शुरू कर सकते हैं। तो इसको शुरू करने के लिए 3-4 तरीका है जो आप अपना सकते हो। थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्ट का भी बात आ जाता है, तो ही आप एक इस तरह का चैनल क्रिएट करके और बड़ा कर सकते हो फ्यूचर में। पहले इन्वेस्ट नहीं करते थे तो भी चल जाता था, कोई फ़ोन लॉन्च होने वाला है या फिर लॉन्च हो गया, तो उस दिन पहले क्या होता था कि अगर आपके पास वो फ़ोन नहीं है तो आप उनका फोटो या फिर वीडियो स्लाइड्स में चला करके भी वीडियो बना देते थे, फिर भी व्यू आ जाता था। लेकिन अभी दुनिया चेंज हो चुका है, अभी ज़माना चेंज हो चुका है, अभी 2021 चल रहा है, यहाँ पर आपका फोटो वीडियो से कोई वीडियो देखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही लॉन्च होता है उसके बाद तो आपको 10 से 12 वीडियो ऑलरेडी इंडियन चैनल्स पे ही मिल जाता है, जितने भी बड़े बड़े टेक रिव्यूअर हैं, तो फिर आपका फोटो वीडियो वाला वीडियो क्यों देखेगा कोई? तो इसीलिए ये तो भूल ही जाओ। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि फ़ोन अनबॉक्सिंग और ये सब पहले नहीं करना है। आपको पहले छोटा छोटा गैजेट्स रिव्यू करना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी हो, स्मार्ट वॉच हो, हेडफोन्स हो, ठीक है, एयरबड्स हो, बहुत सारा गैजेट्स होता है, तो इन सब को आपको जो है रिव्यू करना है। अब ये सब मिलेगा कैसे? ये सब मिलेगा तब कि आप खुद को भी कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, या फिर आपका कोई दोस्त हो गया, कोई फैमिली हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, कोई कुछ खरीदा तो उस प्रोडक्ट को आप ले आए और अपने चैनल पर उसका जो है ओपिनियन दो, अनबॉक्सिंग रिव्यू करो और बायस्ड ओपिनियन दो, क्योंकि आपको तो पैसा कंपनी के द्वारा मिला नहीं है, तो जो रियल है वही फैक्ट बताओ। इस तरह करके आप शुरू कर सकते हो, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा का ये एक तरीका है कि मान लीजिए कि आपके लोकेलिटी में कोई अगर मोबाइल दुकान है तो आप उनसे जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आप जो भी फ़ोन आएगा वो मुझे दे देना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा और इसके लिए आपको जो भी 100-200 रुपया चार्ज लगेगा मैं दे दूंगा। मेरे पास, मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे बहुत सारे दुकान हैं जो कि देने के लिए मुझे रेडी रहते हैं, बट मैं करता नहीं, मेरा चैनल ही इस पर नहीं है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो कि कोई अगर है जान पहचान में तो मुझे वाला फ़ोन जो है आप दे देना, वीडियो बना करके मैं सेम टू सेम वैसा ही फिर पैक करके आपको पहुंचा दूंगा और उसके बदले में आपको अगर कुछ चार्ज लगेगा तो वो भी दे दूंगा। तो ऐसा कर सकते हो, तरीका है, आप सबके द्वारा पॉसिबल नहीं है मैं मान सकता हूं, लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं जिनका कुछ ना कुछ जान पहचान होता है, किसी से कॉन्टैक्ट होता है, तो आप ये भी कर सकते हो। अब थर्ड ऑप्शन ये आ जाता है, जब इस तरह करके आप मेहनत करके आगे बढ़ोगे, जब धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर भी बन जाएगा और आपका 400-500 तक अगर व्यूज़ आने लगेगा तब आपको रिव्यू यूनिट मिल जाएगा फ्री में। 500 व्यूज़ भी अगर आपका आने लगे तो आपको रिव्यू यूनिट मिल जाएगा। बहुत सारा कंपनी, जो छोटा मोटा कंपनी होता है, रिव्यू यूनिट्स नॉट फोन, ये सब नहीं, छोटा छोटा प्रोडक्ट स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब जो मैंने पहले बताया, तो ये सब आपको उस टाइम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा कि जो भी छोटा छोटा कंपनी होता है उनको आपको डायरेक्टली आपको खुद से मेल करना पड़ेगा कि मेरा एक YouTube चैनल है, मेरा इतना व्यूज़ आता है, इतना सब्सक्राइबर है, आप चाहो तो आप मुझे ये प्रोडक्ट भेज सकते हो, मैं आपको वीडियो बना दूंगा और आपका इससे सेल भी बढ़ा दूंगा, और चाहो तो आप मेरे प्रोडक्ट को आप रिटर्न भी ले लेना, मुझे सिर्फ वीडियो बनाना है। मतलब आप ये बोल सकते हो स्टार्टिंग में कि मुझे प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, फ्री में वीडियो बना दूंगा, प्रोडक्ट आपको रिटर्न भी भेज दूंगा। ये एक थर्ड ऑप्शन है, जब आपका चैनल थोड़ा बहुत ग्रो कर जाए। अब फोर्थ नंबर का ऑप्शन ये है कि जो भी दुकान से आप कॉन्टैक्ट करो या फिर जो फ़ोन लॉन्च हो गया, मान लीजिए आज की डेट में फ़ोन लॉन्च हुआ और सारे बड़े बड़े टेक रिव्यूअर जो भी चैनल्स हैं उनमें वो वीडियो आ गया, अब वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को पैसा मिलता है, कंपनी उन लोगों को प्रोडक्ट भेजता है, पैसा देता है। अब वो लोग क्या करता है कि इसका नेगेटिव जो भी होता है, डिसएडवांटेज, उसके बारे में बात ही नहीं करता,
जो कुछ उसमें खूबियां होती है उस फोन में वो बता देता है। आप क्या करो कि उसी फोन को एक महीना बाद तो दुकान में आ जाता है, महीना क्या 10 से 12 दिन के अंदर में ही दुकान में आ जाता है। अब दुकान में जब आ गया तो किसी दुकानदार से लेकर आओ और उसके जो भी डिसएडवांटेज है, जो कि बुराई है, उसके बारे में बात करो। अच्छाई के बारे में तो सब बात करता है, अब बुराई के बारे में बात करो। वीडियो वायरल होता है काफ़ी ज़्यादा, मैंने देखा है ये चीज़ यूट्यूब पे। ठीक है, जो बुराई है उसके बारे में बहुत कोई थंबनेल में बहुत कुछ ऐसा लिख भी देते हैं कि सब आपको पागल बना रहे हैं, ये फ़ोन मत लो, ऐसा कुछ वर्ड आपने लिख दिया थंबनेल पे। तो मान लीजिए कोई लेने भी चाहेगा उस फ़ोन को, लेकिन आपका वीडियो देखेगा कि देखें आखिर क्या इसमें बुराई है कि इसने ऐसा बताया कि मत लेना, तो फिर वो देखते हैं वीडियो। और उसमें अगर आप जेन्युइन तरीके से अच्छा चीज़ बताओगे कि हाँ ये कमियां हैं इस फ़ोन में, मान लीजिए कि कोई 10,000 का फ़ोन है तो आपको बताना है कि 10,000 का फ़ोन का अगर आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, तो अगला जो है कोई कंपनी है जिसमें 10,000 का ही रेंज में वो फ़ोन है और उसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा, तो आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हो अदर ब्रांड के साथ। तो उसे क्या होगा कि वीडियो भी काफ़ी वायरल भी होता है और आपको सपोर्ट भी पब्लिक का मिलेगा, सब्सक्राइबर भी गेन होना शुरू हो जाएगा। फिर आपका जब चैनल बड़ा हो जाए तो उसके बाद तो कंपनी खुद कॉन्टैक्ट करता है कि आप वीडियो बनाओ। और एक बात मैं बता दूं, जब आप किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव वीडियो बनाते हो और आपका अगर वीडियो वायरल हो जाता है तो वो कंपनी आपको खुद कॉन्टैक्ट करता है, चाहे आपका चैनल से बड़ा हो या सब्सक्राइबर हो या ना हो, क्योंकि उन लोगों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव वीडियोज से। आप समझ सकते हो कि उनका आप कस्टमर हटा रहे हो। ठीक है, अगर किसी ने सोचा भी है कि लूंगा, लेकिन वो आपका वीडियो देख करके उसका मन में ये हो जाता है कि नहीं लेंगे। ये चीज़ मैंने खुद, मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कोई कंपनी का नेगेटिव वीडियो बना दिया कोई फ़ोन का, वो वीडियो अगर अच्छा खासा वायरल हो गया तो वो कंपनी खुद कॉन्टैक्ट करेगा वो वीडियो हटवाने के लिए और बोलेगा कि आप इसका पॉजिटिव वीडियो बना दो एक, चाहे उसके लिए आप कितना भी पैसा ले लो या फिर फ़ोन चाहिए तो फ़ोन ले लो, और जो भी हमारा अपकमिंग फ़ोन होगा वो भी हम लोग आपको भेज देंगे। तो ये चीज़ें होते ही, जो कि ये सब डार्क सीक्रेट है, कोई बताता है नहीं। तो आई होप गाइस आज का ये वीडियो से आप लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।